बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में समझाया था। उसमें मैंने सात मूल भौतिक राशियां, उनके सिंबल और उनके मात्रक लिखे हुए थे। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, लास्ट में आपको याद होगा कि मैंने पूरक मात्रक बताए थे, समतल का कोण और घन कोण। देखिए, मैं यहां पर क्या करता हूं, समतल का कोण लेके चलता हूं और समतल के कोण को मैंने आपको क्या बताया था, रेडियन के बारे में समझाया था। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आप पहले ये जानते हैं कि ये सर्कल है। इस सर्कल में मान लीजिए ये त्रिज्या है, इसमें ये रेखा इसको यहां पर आते हुए यहां पर आ जाती है, ए से बी तक। ये एंगल कैसा हो गया, थीटा। ये त्रिज्या आर, ये मेरे पास क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। ठीक, यहां पर ये हम बोल देते हैं कि ये रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति आई, तो जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है, इस कोण को मैं थीटा से होता शो करता हूं। तो कोण बराबर आप जानते हैं कितने के इक्वल होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये चला जाता है। अगर मैं कोण इसमें हो तो देखूं तो ये हो गया थीटा। चाप कितने के इक्वल हो गई, ए बी, और त्रिज्या कितने के इक्वल हो गई, आर की वैल्यू के इक्वल। आप पॉज करके लिख लिया। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहां पर ये कॉन्सेप्ट लिया है, ये त्रिज्या आर, ये हो गया चाप ए बी, ये हो गया चाप। तो कोण बराबर मेरे पास कितना आया था, चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन आर। इफ ए बी इक्वल टू आर, ये दोनों कैंसिल, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन कहलाता है। तो डेफिनेट, अभी मैं इसको समझाता हूं क्या हो रहा है, आपको पूरा समझ में आएगा। आपको मैंने क्या बोला कि अगर ये चाप और त्रिज्या दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, तब स्थिति में जो यहां पर कोण बनता है, इस कोण को मैं 1 रेडियन के इक्वल बोलता हूं। ये हमारे पास होता डेफिनेशन हो जाती है। तो जब अगर किसी प्लेन एंगल में चाप और त्रिज्या दोनों बराबर होते हैं, तो केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है 1 रेडियन के इक्वल होता है। लेकिन ये डेफिनेशन के लिए, अब मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं इसको हम कैसे होता तो मेजर करते हैं। देखिए, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं यहां पर बोलता हूं केंद्र पर अंतरित कोण निकालूं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये मेरे पास चला गया। ठीक, अब आप वो तो देखिए, यहां पर आपको मालूम है कि इस पूरे सर्कल में अगर मैं यहां से होता चलते हुए आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं, तो टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। चाप अगर इसकी त्रिज्या आर है, तो ये कितने के इक्वल हो गई, 2 पाई आर। त्रिज्या कितने के इक्वल हो गया, आर के इक्वल। ये आर और आर कैंसिल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां पर जो 360 डिग्री का ये कोण बन रहा था, उसको 2 पाई रेडियन बोल देता हूं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाता है। तो मैं यहां पर डिफाइन कर लेता हूं कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन कर लीजिए। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 360 डिग्री। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मैं ये स्टैंडर्ड मान लेता हूं, और आपको मालूम है पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल होती है। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना आ जाता है, 360 डिग्री की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। तो देखिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको लेके चलूं, तो मेरे पास 2 पाई रेडियन कितने के इक्वल हो गया, 360 डिग्री। तो देखिए, पाई रेडियन मेरे पास कितना आ जाएगा, 360/2 यानी 180 डिग्री।
डिग्री। तो मैं अब इसको हमेशा स्टैंडर्ड ले लेता हूँ कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब अपन क्या करते हैं, फिजिक्स में यहाँ पर डिग्री का यूज ना करके रेडियन का यूज करते हैं, ठीक। तो इसके बेस पे मेरे पास कुछ और रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे आप क्या कर लीजिए, पाई बाई टू रेडियन करिए, पाई बाई टू रेडियन, तो पाई बाई टू रेडियन यहाँ से दोनों साइड टू से डिवाइड करिए तो 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं पाई बाई टू रेडियन से शो करूंगा। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, और पाई बाई 3 से करूंगा तो ये भी डिवाइड होगा, तो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। नंबर थर्ड आप देखिए, पाई बाई 6 रेडियन करूं, 6 से डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट है जो, तो देखिए अब अपन कभी भी डिग्री को फिजिक्स में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो मैं यहां पर क्या करूंगा, हमेशा रेडियन का यूज करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो तो देता हूं, ठीक, इसी के बेस पे करके मेरे को बताइएगा पाई की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, 22/7। तो आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल के वो तो बताएंगे, क्वेश्चन हो तो लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये आप मेरे को बताएंगे कि 1 डिग्री रेडियन की वैल्यू यहां पर कितने के इक्वल होती है, क्या करिएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई को नीचे लाइएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखेगा और कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है, है ना। वो हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है इसका, ठीक है, इसको करके रखिएगा, ठीक। चलिए मैं यहां पर नेक्स्ट में डायमेंशन लेके चलता हूं। डायमेंशन इसको हम बोलते हैं विमाय बोलते हैं, ठीक है। विमाय क्या होती है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। किसी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को सामान्यतः लंबाई L द्रव्यमान M और समय T के टर्म में लिखा जाता है। जब इन भौतिक राशियों को M, L एवं T के टर्म में लिखा जावे तो जो इनकी घात आती है वह घात विमाय कहलाती है। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा निकालते कैसे, वेग है ना, वेग का विमीय सूत्र m पावर 0 l t पावर -1 है, ठीक, ये -1 के इक्वल आता है। ये -1 के इक्वल चला गया, तो यहां पर m की घात 0 है, l की घात 1 है, t की घात -1 है, तो 0, 1, -1 यहां पर विमाय कहलाती है। और जब किसी भी भौतिक राशि को m, l और t के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो आपके पास समीकरण बनता है या जो भी आपके पास यहां पर डिफाइन हो जाता है वो विमी सूत्र या विमी समीकरण कहलाने लगता है।
तो मैं यहां पर इस ये यही स्टडी, तो ये जो विमाएं हैं इनको हम लेकर सारी भौतिक राशियों को एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनको विमाएं कैसे निकालते हैं, उनकी यूनिट कैसे निकालते हैं, इनको सॉल्व कर कैसे करते हैं और इनके एप्लीकेशन, ये मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, जब तक आप इनकी स्टार्टिंग करिए और पढ़ाई करना बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। ठीक, ओके बच्चों, बाय।